अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि प्री टर्म डिलीवरी यानी कि वक्त से पहले बच्चे का पैदा होना। सबसे पहले तो हम आते हैं कि हम प्री टर्म बर्थ किसको कहते हैं। 24 हफ्ते से लेकर 36 वीक्स तक अगर कोई बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है तो वो प्री टर्म बर्थ कहलाता है। आमतौर पर जो बच्चे 36 वीक्स के बाद पैदा होते हैं, मैं आपको एक बात तो बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी में 40 वीक्स, हम प्रेगनेंसी को 40 वीक्स में डिवाइड करते हैं। जो 36 वीक्स से ऑनवर्ड महीना है, 36, 37, 38, 39, 40, ये टर्म कहलाता है। तो बच्चे जो बच्चे 36 वीक्स के बाद पैदा होते हैं वो टर्म बच्चे कहलाते हैं, लेकिन जो बच्चे 36 वीक्स और 24 वीक्स के दौरान पैदा होते हैं वो प्री टर्म कहलाते हैं। अगर कोई बच्चा अराउंड 35 या 34 वीक्स पे पैदा होता है तो आमतौर पर उसको वेंटिलेटर की या निको में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनटिल एंड अनलेस के कोई ऐसी कंडीशन हो कि जिसकी वजह से उसको पहले डिलीवर किया गया है और जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड हो। इससे जो छोटे बच्चे होते हैं, इससे यानी कि इससे पहली वीक्स में पैदा होने वाले बच्चों को आमतौर पे हॉस्पिटल या निकू एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। निकू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, ठीक है। अब आप सबसे बहुत ही ज़्यादा जो है ख़वातीन, हमला ख़वातीन जो जिनको इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है, जिनको प्री टर्म बर्थ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। बल्कि कहना तो मुझे ये चाहिए कि तकरीबन तमाम हमला ख़वातीन ही इस बात से बहुत परेशान होती हैं कि कभी उनको प्री टर्म बर्थ तो नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि वो कौन से कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से प्री टर्म बर्थ हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि वो हमला खातून जो एक से ज़्यादा बच्चा कैरी कर रही है उसको ज़्यादा चांस है कि उसको प्री टर्म बर्थ हो जाएगी, जैसे ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रुप्लेट्स हैं। फिर नंबर टू बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है प्री टर्म बर्थ की, वो है इन्फेक्शन। बहुत सी ऐसी इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से प्री टर्म बर्थ हो सकती है। इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन का बार बार होना। वो लोग जिनको पेशाब की इन्फेक्शन बार बार होती है वो भी एट हाई रिस्क होते हैं प्री टर्म बर्थ के। बाज़ात अगर आपको कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गई है, यानी कि आपको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा और आपका आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो यूट्रस में जाके बेबी को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, उस सूरत में भी प्रीटर्म लेबर शुरू हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ वजाइनल इन्फेक्शन्स ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनकी वजह से आपकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाएं और पानी पड़ जाए और प्री टर्म बर्थ हो जाए। कुछ इन्फेक्शन्स ऐसी हैं जो कि वायरल हैं, उसमें भी अगर बहुत तेज़ बुखार हो जाए तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा यूट्रस जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और प्री टर्म बर्थ हो जाती है। फिर आते हैं कुछ क्रॉनिक कंडीशंस की वजह से कि जिनकी वजह से प्री टर्म बर्थ हो सकती है। बाज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं क्रॉनिक, यानी कि जो कि खातून के अंदर पहले से हों या फिर उस प्रेगनेंसी में जो डेवलप हों, तो वो कहलाती हैं जेस्टेशनल। जैसे कि अगर आप डायबिटिक, शुरू से ही डायबिटिक हैं, उस सूरत में भी बाज़ औक़ात अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है तो आपकी बच्चे के कित पानी ज़्यादा हो जाएगा और रिस्क है कि आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको स्टार्ट से ही हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो क्रॉनिक कहलाता है। लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर आप प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप करते हैं तो उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, अगर ये सिंपल हाइपरटेंशन है, लेकिन अगर इसके साथ साथ आपकी किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और आप यूरिन में प्रोटीन थ्रो करना शुरू कर देती हैं या खुदा ना खास्ता आपका लिवर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो बाज़ औक़ात इस कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है और कभी कभार बच्चे को जल्दी डिलीवर या प्री टर्म हालत में ही डिलीवर करना पड़ता है ताकि उसको फर्दर कमज़ोर होने से बचाया जा सके।
बस कुछ और कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि प्री एक्लेम्सिया, यानी कि अगर आपको दौरा पड़ गया या हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ, तो उस सूरत में भी बच्चे को जल्दी निकाल लिया जाएगा। बाज़ दफ़ा वो ख़वातीन जिनकी जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन कंट्रोल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं, उस सूरत में भी बाज़ दफ़ा बच्चे को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि अगर मतलब मेडिकल कंडीशंस हैं कि जिनमें बच्चा जल्दी डिलीवर खुद से करना पड़ जाए या बाज़ दफ़ा वो खुद भी लेबर में चली जाती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे बग़ैर किसी वजह के भी जल्दी डिलीवर हो जाते हैं और आमतौर पे उसका कोई कॉज नहीं होता। बास औकात जो यूट्रस के अंदर कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि नेक ऑफ द वूम ज़रा कमज़ोर है, रहम का मुंह अगर थोड़ा कमज़ोर है, तो वो बाज़ दफ़ा जल्दी डिलीवरी हो जाती है। 24, 26, 28 हफ्ते तक भी डिलीवर हो सकती है। अगर यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि यूट्रस का के अंदर कोई सेप्टम है या यूट्रस के अंदर कोई हॉर्न का के कोई हॉर्न्स हैं या उसकी कैविटी छोटी है, तभी भी बाज़ दफ़ा प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो उसके बाद माँ को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आमतौर पर जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो आपके बच्चे को फौरन ही न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स देखते हैं, वो उसकी कंडीशन को असेस करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं वेदर के बच्चे को निकू में एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 34 से 36 वीक्स के दौरान बच्चा पैदा हुआ है और उसको पहले से स्टीरॉयड मिल चुके हैं, तो आमतौर पे एडमिशन की ज़रूरत नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये जो लफ्ज़ बोला कि उसको स्टीरॉयड मिल चुके हैं, इसका क्या मतलब है? आमतौर पे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हों कि हमें किसी को प्रीटर्म डिलीवरी करनी पड़ेगी या ये इस खातून को, इस हामला खातून को चांस है कि ये टाइम से पहले लेबर में चली जाएंगी, हम आमतौर पर उन्हें स्टीरॉइड्स के दो इंजेक्शन देते हैं। एक इंजेक्शन, इन दोनों इंजेक्शन्स के दौरान या तो 12 घंटे का वक्फ़ा होता है या फिर 24 घंटे का वक्फ़ा होता है। तो आपकी डॉक्टर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। इन चीज़ों का आपकी प्रेगनेंसी पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, ये बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज़ औक़ात अगर हम प्रीटर्म डिलीवरी बहुत अर्ली कंडीशन में, अर्ली स्टेज में एक्सपेक्ट कर रहे हों, जैसे कि 28 वीक से 32 वीक्स तक, तो उस दौरान आपके डॉक्टर्स आपको ये मशवरा भी देंगे कि हम आपको मैग्नीशियम सल्फेट का कवर देते हैं। आमतौर पर मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बच्चे की न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होता और ना ही आपकी बॉडी को कोई हार्म होता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा डोजेज में दे दिया जाए या अगर उसको मॉनिटर ना किया जाए तो ऑफकोर्स उसके भी हार्म्स हैं, जैसे और भी किसी भी दवाई का हार्म हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बहुत ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में और बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग के साथ आपको दिया जाता है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर, और उसके अलावा आपको कुछ मेडिकेशंस भी दी जाएंगी। अगर आप प्री टर्म लेबर के साथ किसी हॉस्पिटल में जाती हैं तो बाज़ दफ़ा आपके डॉक्टर्स उस लेबर को कोशिश करेंगे कि वो रुक जाए, बल्कि मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि रुक जाए। अगर ये चीज़ें 28 हफ्ते से पहले हो रही हैं, 26 हफ्ते पे या 24 हफ्ते पे, तो मुमकिन है आपके डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करें कि हम स्टिच लगा, और रहम का मुंह अगर ज़्यादा खुला नहीं है तो आपके डॉक्टर्स कह सकते हैं कि हम स्टिच लगा देते हैं और ये रुक जाएगा। तो आमतौर पर कभी कभार इमरजेंसी रेस्क्यू सर्कलाज भी लगाया जाता है, उससे आपको मज़ीद चंद हफ्ते मिल जाएंगे बेबी के डिलीवर होने में आमतौर पर, लेकिन कभी कभार वो भी काम नहीं करता तो फिर डिलीवरी जल्दी ही हो जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगी कि हमें क्या करना चाहिए कि प्री टर्म डिलीवरी ना हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो जो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क ऑफ अर्ली प्री टर्म डिलीवरी, वो आपका डॉक्टर असेस करेगा। आप अपनी प्रेगनेंसी में जब अपने डॉक्टर के पास बुकिंग के लिए जाती हैं तो सबसे पहले वो आपसे हिस्ट्री लेते हैं। अगर आपकी पहली, इससे पहले कोई प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है या आपके रहम के मुंह पर कोई ऑपरेशन हो चुका है,
तो आपके डॉक्टर्स जो हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, वो आपका रिस्क असेसमेंट करेंगी और फिर आपकी मैनेजमेंट उसी हिसाब से करेंगी। अगर खुदा ना खास्ता आपको पहले कोई प्री टर्म डिलीवरी हुई हुई है, तो ऑफकोर्स वो फैक्टर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे उसके बारे में वो आपसे डीप हिस्ट्री लेंगी और फिर कोशिश करेंगी कि इस प्रेगनेंसी में वो चीज़ें ना हों। अगर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको प्री टर्म डिलीवरी हुई है, तो मुमकिन है कि वो आपको ऑफ़र करें कि हम आपके वजाइनल स्वाब्स लेंगे ताकि हमें पता चले कि वो इन्फेक्शन दोबारा तो नहीं हो रही। इसी तरह से अगर आपके रहम का मुंह ढीला है या कमज़ोर है, तो वो आपको ऑफ़र करेंगी कि हम प्रोफाइलेक्टिकली यानी कि किसी काम के शुरू होने से पहले ही आपको रहम के मुंह पे टांका लगा दें, क्योंकि प्रोफाइलेक्टिक स्टिच जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू वो स्टिच जो कि एमरजेंसी में लगाया जाए। उसके बाद हम आते हैं कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ हाँ, सबसे पहले एक चीज़ मैं भूल गई बताना कि वो कौन से वार्निंग साइंस हैं कि जिसके साथ आपको पता चल सकता है कि आपको प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है या खुदा ना खास्ता कोई ख़दशा है। तो वो तो है कि आपको एब्डोमिनल या तो टाइटनिंग शुरू हो गई हो, आपको लग रहा हो कि आपको रेगुलर किस्म के पेंस आ रहे हैं जो कि थोड़ी थोड़ी देर बार 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 आ रहे हैं, या आपको डल बैक एक महसूस हो रहा हो अपनी लोअर बैक में, या फिर आपको नीचे प्रेशर पड़ रहा है, या फिर पेट के लोअर हिस्से में आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, या फिर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, या फिर खुदा ना खास्ता पानी गिर रहा है, या म्यूकस प्लग गिर गया है, या थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग शुरू हो गई है। तो ये वो सब साइंस हैं कि जिनको आपको नज़र में रखना होगा और फौरन अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको जाके दिखा उनसे मशवरा लेना होगा ताकि वो असेस कर सकें कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ तो होने वाली नहीं। इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आया कोई ऐसे फूड्स भी हैं जो कि प्रीटर्म डिलीवरी कॉज कर सकते हैं। शुक्रिया।